आज सरप्राइज प्लान किया है। हाय बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है। भाइयाँ छुट्टी मार चुकी हैं, वो सारे रक्षाबंधन मना रही हैं, लेकिन हमें छुट्टी नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि हमें दिल्ली में। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। इतना खुशी खुशी सोचो कि रक्षाबंधन में अच्छे से तैयार होंगे और काम वालियाँ ये सुनती नहीं है, मेड्स को छुट्टी लेनी होती है। तो बताओ फिर क्या सीन है, पहले काम करेंगे घर का, फिर तभी रक्षाबंधन। सही बात कह रहे हैं। तो चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ फिर ऑफिस में। पैरी पौना। तो आज जो है ना, सारे रास्ते जो है ना, बिल्कुल सड़कें बिल्कुल खाली हैं, मौसम भी अच्छा है और गाड़ियाँ कितनी कम है। लेकिन हमने एक आज सरप्राइज प्लान किया है। वो पता कि मेरी सिस्टर ने मुझे सरप्राइजिंगली राखी भेजी थी, तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं उसको सरप्राइज देता हूँ, गुड़गांव जाके उससे मिलने। मैं वो मूवमेंट कैप्चर करना चाह रहा हूँ कि यू नो कैसा लगेगा उसको कि यार ये कैसे हो गया, मतलब ये तो प्लान ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं था कि ऐसे होने वाला है। और ये मैंने कुछ वो भी लिया है, यार देख रहे हो पीछे दो बॉक्सेस पड़े हैं ना, ये हमारे यहाँ पे राखी में ना वो क्या करते हैं, घेवर का बहुत ट्रेंड है, तो वो मैंने ले लिए। और बाकी ऑफिस वाला बैग तो पड़ा ही है, मतलब ये ऑफिस वाला बैग तो भाई ऑफिस की निशानी है कि हम ऑफिस जा रहे हैं। क्या बात है भाई, वाले तो आज तो राखी, आज कहाँ गए तू? मैं आपसे मिलने आ गया था, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, आपके व्लॉग्स में आए हुए, आपके फैमिली व्लॉग्स आ रहे हैं, मेरे को लगा एक बार तो मेरा आना बनता है। तो बस नहीं, नहीं अच्छा भाई, गाड़ी बढ़िया लग रही है। हाँ वो वॉइस ऑफ म्यूजिक सिस्टम देखना भाई का, चलाओ जरा। बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है भाई। और बताओ भाई, अब लग रहा है कुछ नहीं, प्लान आ रहे यार, प्लान मत पूछ यार, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है। क्यों, क्या हो गया? अरे भाई नहीं यार, नहीं, मैंने मीतू और मोमू बोला था भाई तुम ना मेरे ऑफिस में आ जाना। अच्छा पता नहीं कितने भाई, कितने समझ में आए कि कितने आप, बहाने आपके चेहरे में से 12 ही बचे हुए। मैंने बोला था कि भाई टाइम से चलना, ठीक है, एक घंटा लगेगा। जितने में निकलने को बोला था उतने मुझे फोन आया कि हम इतने टाइम में निकल रहे हैं, उसके एक घंटे बाद निकले हैं, अभी 30 मिनट और लगने वाले हैं। यार तूने सबको सिखा दिया, अबे अच्छी चीज से सिखाया था। मैंने किसी को सिखाया? मैं तो मैम देखो, मेरे पे इल्जाम लग रहा है, दिस इज रॉन्ग, यू शुड बी इन टाइम, दिस इज टोटली रॉन्ग। और चले क्या? हां बाहर चलते हैं। आओ यार भाई, इसकी गाड़ी तो दिखा दे पहले। ऑल्टो के 10 2:20 पे वो कर दिया था, वो कोई भी नहीं मिल रहा था, मैं तुम्हें मैसेज करने वाली थी उसके बाद कि एडो कैब्स अवेलेबल नहीं है। जाम में हुई बारी एंट्री, मतलब शुरू अभी हमने मैदान गेम करी भी नहीं और गेम में घुसते ही भाई साहब जाम, तो हमें कम से कम निकले हुए हो गया यार आधा घंटा और अभी भी टाइम जो है वही का वही खड़ा हुआ है, स्टिल 1:33। देखो ये सब जाम है यार, सब जाम है भाई, पूरे का पूरा है, देख रहे हो ये 22 मिनट का जाम है यहाँ पे। तो आगे भाई हम इनकी सोसाइटी में, और पता नहीं यार ये गार्ड साहब मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं सोच रहा हूँ उनको सरप्राइज देते हैं, थोड़ा सा इनसे बात करके देखते हैं कि अगर ये जाने दें वैसे ही। E52 में जाना है, E52 में हाँ, लेकिन राखी है तो मैं बताना नहीं चाह रहा, सरप्राइज देना चाह रहे हैं। तो है सब बैठे, हमारा सरप्राइज हो जाएगा, बताना जरूरी सर, बिना परमिशन का हम भेज नहीं सकते। अरे यार पता कितनी दूर से आया मैं, सारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा भाई, ये नहीं मान रहे कह रहे यार ये बताना ही पड़ेगा। लो यार मैं सोच रहा था सीधा घर जाके सरप्राइज देंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सबको अपना अपना काम करना है भाई, सबके काम की पूरी रिगार्ड है। ये भी सरप्राइज ही है कि इतनी जल्दी आ जाएंगे, ये तो सोचा ही नहीं था, जल्दी तो नहीं है खैर, वैसे हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, 6:30 हो गए हैं। तो फाइनली भाई हम लोग मतलब 3 घंटे की मुशक्कत के बाद, ये तो लग रहा है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना भाई, इतना ज़्यादा टाइम लग गया, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मॉम और मीतू को इनके डोर पे ड्रॉप कर दिया था क्योंकि 5th फ्लोर पे है, तो वो लिफ्ट लेके चले गए होंगे। गाड़ी अपनी यहाँ भाई बड़ी मुश्किल से पार्क मैंने कर दी और यहाँ पे कहीं उनका घर है भाई, अभी चलते हैं ऊपर फटाफट से, अदरवाइज हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। चलो जी अपन लोग आ गए हैं यहाँ पे, और देखते हैं भाई क्या मतलब क्या एक्सप्रेशन हो गए हैं। मेरा तो एक्सप्रेशन उन्होंने जाके ऊपर पहले जब मीतू और मॉम गया तो पता लग ही गया होगा। मारो मुझे क्या बात है, हाय हाउ आर यू, ये बहुत अच्छा था।
चिपके बच्चे क्या हाल है भाई? बहुत ही बढ़िया सरप्राइज था भाई। हाय गुड गुड गुड, हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। क्या हाल डूड, गुड टू सी यू मैन। हम मोटा मोटा 2-3 घंटे ऐसा लग रहा है कि समुद्र पार करके आए। मैं वही बता रहा हूँ, सरप्राइज देने का ये नुकसान भी था। बताते तो बताते कहाँ कहाँ आपको जाम मिलेगा। बहुत ज्यादा जाम था, बट नेवरतheless हम लोग पहुंच गए फाइनली। देर आए दुरुस्त है। आज चिया ने पहली बार भाई साहब मेहंदी लगाई है खुद से। क्या बात कर रही है चिया, दिखा जरा। क्या बोल चिया, तुमने खुद लगाई है? खुद से लगाई है। मैंने लगाई है। वाओ, ये मैंने लगाई है, मम्मा ने लगाई है। तुमने भी लगाई है? नहीं। क्यों? स्कूल में फिर चिढ़ाते हैं सब। हाँ ये बात तो ठीक है। रो गई आज। क्या रो गई? हाँ दीदी इमोशनल लगी, रो गई। तो होना बनता ही है। हैप्पी रक्षाबंधन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। करते सेकंड तो कम से कम झपिया पाओ। हैंडसम है। गोंडे का रूम टूर तो कर लो तुम, इतना शानदार रूम बनाया हुआ इसने। अपने रूम में एंट्री नहीं करने देता है किसी को। एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं किया। क्या चल रहा है? पढ़ाई। क्यों? पेपर है। कौन सा एग्जाम है? मेरा हिंदी का। हिंदी का? सब बेटा हिंदी का एग्जाम है। ओ शिट, राखी तो मुझे लग रहा है गाड़ी में रहेगी। बहुत दूर है, बहुत दूर है। तुम लोग शरारते करते रहो। ये वाली जो राखी है ये इसी ने भेजी थी, मैं इसी के पास वापस ले आया। बनवाने के लिए खर्चा करवाया तुमने? मतलब पहले क्या करना होता, क्योंकि पहली बार कर रहे तो इसलिए आइडिया नहीं पहले करना क्या होता है। तो मुश्किल मुश्किल काम है। चिपके गए? वाह, राइट हैंड। ये तो है राइट, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है। हां इतने से दोनों की आज अभी कह रहा है। चलो ये राखी का जो त्योहार है ये सक्सेसफुल इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और वेरी गुड टू सी दिस। बट ये कैसा लगा इतने दिनों के बाद? मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। वो जो मूवमेंट था ना, वो तुरे थोड़ा रो पड़ी। मैंने एक्चुअली मैंने गार्ड को बोला, पता है मैंने गार्ड को बोला कि भाई मुझे जाने दे यार, मैं अभी आके नाम लिखा दूंगा, कहीं से परमिशन लेना पड़ेगा। एक्चुअली उसने बोला कि अरुण आया। मैं मीतू और आंटी का तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी, वो भी इस समय पर। ऑफिस से आओगे? दरवाजा खुला ना तो मतलब वो मैं बता नहीं सकती। अगर ये फीलिंग बताने वाली हो ना तो इस फीलिंग का कोई मतलब ही नहीं। सीरियसली ये क्या रखा है तुमने अंदर, जरा दोबारा दिखाओ। ये क्या रखा है? ये क्या रखा? ओ भाई कहां से मिला तुम्हें? अपनी लाए। मैं नहीं लेके आया, दादी। दादी मैं लेके आई है। दिखाना दांत कितने बचे हैं अभी, मतलब ये क्या होता है? अरे आज का लैंड आती नहीं भैया, काजू आपका फंसा हुआ अंदर। हाँ। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा। वो यही काजू उसके बाद। ये मुझे लग रहा है बच्चों को पोपट हो गया, इनको लग रहा था कि अंदर से केक निकलेगा। ओ, और निकला ये। चॉकलेट रख दे फ्रिज में जाके, बस पिघल ना जाए जल्दी। खाना तो खाएंगी मम्मी, ये तो बात हुई थी। नहीं नहीं खाना तो खाएंगे। और क्या, दाल चावल बना लो फटाफट से तुरंत। सुनो दाल चावल एक रायता, हल्के हल्के फुलके, और छोटा सा जो पनीर सेके, और दो पीस चिकन के हल्के हल्के। तुझे क्या हो गया अच्छे बता पहले। नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग की जरूरत? तू लेट जा फिर, तू लेट के बना ले, तू लेट तू लेट के बना। लेकिन तुम्हें अब मैं आया तो खा के तो जाऊंगा ही। तो भाई टाइम हो रहा है 11:15 भाई, हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। रात को वहाँ से इतना लेट हो गए ना, इतना लेट हो गए हम लोग निकलने में। हम लोग बहुत ही लेट पहुँचे यार घर वापस, शायद 1:30-2 बज गया था। और अभी सुबह उठ के देख रहे हैं तो यार इतनी तेज़ बारिश हो रही है, और मीतू को स्कूल भी जाना है। तो अभी जैसे मीतू को मैंने स्कूल ड्रॉप किया है, यार क्या बारिश हो रही है दिल्ली के अंदर, इतनी ज़्यादा बारिश है भाई मतलब मैं बता नहीं सकता। और अभी मुझे ऑफिस भी जाना है, शायद मुझे दोबारा गुड़गांव जाना पड़े आज ही इन दी मॉर्निंग। और कल रात को इतना देर से हम लोग वापस आए ना, हमें शायद 2-2.5 घंटा लग गया, और अभी दोबारा जाना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है यार पता नहीं कैसे होगा या कैसे होगा भाई। क्या हो रहा है, गुड मॉर्निंग। बारिश भाई साहब, इतनी बारिश। भीग गया यार, भीग गया। ओह हाँ बिल्कुल भीग गया बारिश में। थैंक यू, दूध रख लेते हैं अंदर।
कि दूध वाले कभी भी छुट्टी नहीं मारते ना, दूध वेस्ट हो जाएगा सर। और क्या, और भैंसे कहेंगी कि यार हमें मतलब सुबह सुबह उठा भी दिया और हमारा दूध यूज भी नहीं किया, ये क्या मतलब है। चाय एक बार पी लेते हैं उसके बाद निकलना है ऑफिस यार, दोबारा से ऑफिस, कैन यू इमेजिन दोबारा ऑफिस जाना है भाई। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और ये पौधों में तो बड़ा मज़ा आ जाता है, मतलब सुबह सुबह जब पौधों में पानी गिर जाता है ना, मतलब मौसम तो अच्छा लगता ही है इसमें, तो खैर कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा गर्मी से राहत अब मिलनी शुरू हो गई है। और अरे यार इसका गद्दा कहाँ चला गया, तो यार यहाँ बैठने का तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। कल का दिन जो ना मेरा बहुत बहुत ही अच्छा रहा। आई गॉट मैसेज फ्रॉम भारती, वो इतना सरप्राइजिंग था, शी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, इतना सरप्राइजिंग था दैट शी क्राइड अ लॉट। एक तो मैं डायरेक्टली ऊपर नहीं जा पाया था क्योंकि मुझे गाड़ी पार्क करनी थी, मॉम एंड मीतू पहले गए थे। देखिए उसने वो इतना रोई कि उसने मुझे बोला कि तुमने मोमेंट वो तू कैप्चर ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अभी हो ही नहीं सकता दोबारा। और उसके बाद जब हम वापस पहुंचे रात को, देन आई सॉ हर मैसेज, शी वॉज लाइक सो इमोशनल कि मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया होगा क्योंकि हमने कभी बहुत ज़्यादा राखी सेलिब्रेट ही नहीं किया था, बट दिस रक्षाबंधन वॉज सो मेमोरेबल फॉर मी एज वेल कि हमेशा याद रहने वाला है यार, हमेशा याद रहने वाला है। आई होप ये सब आप लोगों के लिए भी, आपके ब्रदर्स हैं सिस्टर्स हैं उनके लिए भी हमेशा रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही यादगार रहे। और इसी प्रे के साथ, इसी विश के साथ अभी इस वीडियो को रखते हैं तक, और मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।